नसरीन तू बड़ी सोहनी लग रही है। सोहनी तो मैं हैगी हां। ओह मीरा। मीरा जी सुना है कि जब आप शूट पर जाते हैं तो आप जो वॉशरूम यूज करते हैं तो दूसरे आर्टिस्ट वो यूज करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि आप उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते। नहीं, 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 नहीं। सुना है लाहौरियों के खोते खाने से ज्यादा आपने जिंदगी में धोखे खाए। ओहो हो हो ब्रांड न्यू शो स्नैक वीडियो प्रेजेंट जस्ट स्नैक कॉमेडी का डोज। मैं हूं आपका मेजबान जुनेद अकरम और मेरे साथ मौजूद है द ब्रेनियक्स। आज की एपिसोड में बड़े जबरदस्त किस्म के चैलेंजेस लाएंगे आपके लिए, लेकिन उससे पहले आपने सबसे पहले डाउनलोड करनी है स्नैक वीडियो की ऐप ताकि उनके दिए गए चैलेंजेस आप रिक्रिएट कर सके और पोस्ट कर सके यूजिंग द हैशटैग जस्ट स्नैक, ताकि स्नैक वीडियो की तरफ से आपको मिल सके बहुत सारे सरप्राइजेस। तो ये थी कुछ अंदर की लीक्स, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी लीक्स आपको पता ही होगा मैं लाते रहता हूं। तो मेरे साथ चलिए आइए देखते हैं आज की स्नैक लीक्स में क्या है। सो फॉलो मी। आज बात होगी पाकिस्तानी आवाम और इंटरनेट पे पड़ा उनका जो कंटेंट है उसके बारे में। भाई इंटरनेट है तो हम हैं, हमसे मुराद मैं अपनी बात कर रहा हूं, हर जगह अपने आप को फिक्स नहीं करना होता भाई। अब हमारी सारी दिहाड़ी लगती है इंटरनेट से, जॉब छोड़ने के बाद अब मेरा यही फुल टाइम करियर है, तो जितनी भी दिहाड़ी लग रही है पिछले कई सालों से वो इंटरनेट की बदौलत है। और वाकई ये अभी भी जो आप कंटेंट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो मेरा काम चल रहा है, तो ये इसका क्रेडिट आपको भी जरूर जाता है। इंटरनेट की खूबसूरती ये भी है कि इसमें हर किस्म का कंटेंट वाफिर मिकदार में मौजूद है, यानी उम्र यार की जुम्बील की तरह के बस हाथ डाले जाओ और सामान निकाले जाओ, हर किस्म की चीज आपको बहुत मिलेगी। एजुकेशनल कंटेंट भी दबा के मिलेगा, स्पोर्ट्स भी मिलेगा, न्यूज ड्रामा, औरतें कपड़े स्त्री कर रही हैं उस वीडियो की भी अलग मार्केट है, कोई बच्चा विंडोज की सीडी लेके जा रहा है उसको भी लोग बैठ के देख रहे हैं, कोई नूडल्स खा रही है रोज रात को 8 बजे आके उसको भी लाखों लोग देख रहे हैं। इंटरनेट बिल्कुल जीनी की तरह है कि योर विश इज माय कमांड, जो आप देखना चाहेंगे वो दबा के मिलेगा, और कभी कभी ये नाजेबा डायरेक्शन में भी बात निकल जाती है। खैर वहां हम नहीं जाएंगे। मैं सोचता हूं कि इंटरनेट से पहले हम बचपन में कैसे वक्त गुजारते थे, मुझे तो याद नहीं आता। शुक्र है कोरोना इंटरनेट की दुनिया में आया, अगर यही 15-20 साल पहले आया होता तो हम कैसे वक्त गुजारते। कम से कम आज हम स्नैक वीडियो की ऐप डाउनलोड करके दबा के कंटेंट देख के एंजॉय कर सकते हैं, घंटों गुजार सकते हैं, चाहे लॉकडाउन हो कल्ली वल्ली कुछ भी हो, टाइम का पता नहीं चलता। भाई सोचे ना अगर 15-20 साल पहले कोरोना आया होता तो घर में कितना बैट बॉल खेल लेते, अम्मी कितना पंखा साफ करवा लेती, कितनी बार रजाइयां नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे करवाती, घर में सब एक दूसरे को काटने को दौड़ते। तो जी ये थी आज की स्नैक लीक्स, और अब चलते हैं आज के खास मेहमान की तरफ। उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स में किया जाता है, बहुत फनी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनकी लाइफ का वो ये कि भाई हमें तो खैर नहीं, जो बेचारे कवारे होते हैं उनको शादीशुदा लोग डराते हैं कि भाई ये एक बार लड्डू खा लिया तो सारी जिंदगी पछताओगे और ऐसा है वैसा है, लोग घबराते हैं शादी नहीं करते। जहां हम कॉमेडी का डोज डबल करने की बात कर रहे हैं, इन साहब ने शादी का डोज डबल किया हुआ है। तो प्लीज वेलकम द वेरी फेमस द वेरी फनी राइम परदेसी। ये कहां से आ गया भाई, क्या हाल चाल है? गुड टू हैव यू ऑन द शो। लड्डू चल रहे हैं? लड्डू तो हाँ, आपने डबल डबल लड्डू चल रहे हैं। आप देख रहे हैं भाई, अब लड्डू खाना चाह रहे हैं। ऐसे लोग जो है ना हमें अजीब अजीब आइडियाज देते। खैर आप आए सर, आपसे बातचीत करते हैं, कैसी रही आपकी फ्लाइट? वालों ने तंग तो नहीं किया? टॉफी खिलाई है, सैंडविच दिया? उतर गई है, जबरदस्त है ना। कैसी चल रही है जिंदगी? है जब मैं अकेला होता हूँ ना तो यार, अब भी अकेले होते हो? अरे अभी तो अकेला आया हूँ ना, घर पे तो आपको पता है फिर काफी ट्रैफिक चल रही है। सही सही। तो बहरहाल आप इंटरेस्ट काफी शो कर रहे थे लड्डू खाने में। नहीं नहीं नहीं, मेरा लड्डू, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अपने लड्डू से और मैं खुश हूँ, बस मुझे और नहीं खाने लड्डू, समझे मुझे डायबिटीज ही हो। गुलाब जामुन खा ले फिर। नहीं नहीं नहीं, हो चुकी है। सही, एक बात है, अभी अब आप जिंदगी से सहमत हैं, खुश हैं, या अभी भी सच्ची मोहब्बत की तलाश है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची मोहब्बत की तलाश तो नहीं? नहीं भाईजान, आप खत्म हो गए, कंट्रोल एफ खत्म कर दिया आपने। हां, इससे पहले कि शिप
टाइटैनिक बन जाए और टूट जाए और टूट जाए और फिर आप उस तरह गिरे, वो जो बंदा नहीं गिरता फिर पाइप में बचता है, अल्लाह रहम करे। और फिर वो एंड पे मुझे वो एक ही मिलता है ना, वो जो फ्लोटिंग होता है, वो मैं अब किसको बैठाऊंगा। हाँ ये भी बड़ा मसला है, अब उसमें दो नहीं आ सकते ना, तो आप जब अगर पहली को बिठाए तो दूसरे नाराज, दूसरे को बिठाए पहले, तो आप कह रहे तुम दोनों ही पानी में रहो, मैं निकल जाता हूं। हाँ ये मैं कह रहा हूं, निकल जाता हूं, मैं निकल जाता हूं। हाँ क्योंकि मैं तो पता ही ना रहे ना। वाह सही। और बताए नसरीन का आइडिया आपको किस तरह आया? हुआ ये था कि मुझे एक्चुअली एक वीडियो बनानी थी जिसमें खातून का रोल चाहिए था। अब घर वाले सारे शाही हैं, मैंने कहा यार मेरा बजट तो नहीं है, मैं आपको एक्ट्रेस पकड़ के ले गया। तो फिर मैंने कहा यार खुद ही बन जाओ। सही। और वो लोगों को इतना पसंद आया तो बस। सबसे पहली मोहब्बत आपको कब हुई और कहाँ हुई? मोहब्बत मुझे बहुत दफा हुई है, रोज होती है, रोज होती है, लेकिन शादी बस दो दफा हुई। अब हम चलते कुछ तीखे सवालात की तरफ जो कि थोड़े से मसालेदार भी होंगे और आपने जल्दी जल्दी उसके जवाब यस और नो में देना, ठीक है? सो आई एम रेडी। ऑलराइट, राइम परदेसी से करते हैं हम मजे मजे के सवालात। जिंदगी में बहुत बड़ा झूठ कब बोला था? आजकल बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं घर पे। बीवियों से अलावा कभी किसी और से कुत्तों वाली मोहब्बत हुई? दोस्त है बिलाल साहिद, हिज डॉग, आई लव हिज डॉग, आई एम सॉरी बिलाल, मैं तेरे कुत्ते से बड़ा प्यार है मुझे, आई लाइक प्लेइंग विद हिज। सुना है कि जब आप शूट पर जाते हैं तो आप जो वॉशरूम यूज करते हैं तो दूसरे आर्टिस्ट वो यूज करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि आप उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली अदर वे अराउंड होता है। ओ रियली? हाँ वो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर फेंके होते तो वही कहता हूँ नो थैंक यू, येलो सबमरीन। सुना है लाहौरियों के खोते खाने से ज्यादा आपने जिंदगी में धोखे खाए? ओहो हो हो, नहीं मैंने खोते ज्यादा खाए, खोते ज्यादा क्योंकि मैंने लाहौर में बड़ा ही खाना खाया। सही। जिंदगी में जिंदगी भर गम तो नहीं दिया आपको? की ये देखिए यार वाकई, ओए होए होए, खोता प्रोटीन, खोता आप ही हासिल करें। हमारे पास एक चीज मौजूद है जिसका नाम है बैशिंग व्हील, जिसमें बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स और टीवी और फिल्म स्टार्स की तस्वीरें हैं, आपने वो स्पिन करना है व्हील और जहां पे पॉइंटर रुकेगा आपने उनको बैश करना है, और ज्यादातर जैद अली पे रुकते, तो जैद अली वैसे तो शो पे नहीं आए, बैशिंग में बहुत है, तो आप क्या बैशिंग व्हील के लिए तैयार है? मैं बिल्कुल तैयार। ऑलराइट जी, हम लोग मौजूद है राहिम परदेसी के साथ बैशिंग व्हील लेके। राहिम जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज मौजूद है, आपने इसको स्पिन करना है, जिसमें पॉइंटर आएगा सामने कैमरे में को देख के आपने उनको करना है बैश। सो आर यू रेडी फॉर द बैशिंग व्हील? आई एम इंडीड। ऑलराइट ब्रेनियाक्स, क्यू द म्यूजिक, 3 2 1 गो। मथीरा, क्या कहना चाहेंगे आप मथीरा से? आई नेवर मेट मथीरा, ओके, लेकिन आई वुड लाइक टू नॉट, आई एम ग्लिच हो गया। शी इज अ ब्यूटिफुल वुमन, लेकिन आई हैड शी इज हमारी काफी स्टार रह चुकी हैं, अभी भी हैं, बिल्कुल हैं, एब्सोल्युटली, शी इज डूइंग एनीथिंग अदर देन व्हाट? I don't know. नहीं, she's doing a show right now. Oh, okay. मुझे बुलाए मथीरा, I would love to come to your show. अच्छा चले, अपनी मर्जी से अगर किसी को करना हो तो किसको करना चाहेंगे? Oh, मीरा। मीरा जी को नसरीन क्या कहना चाहेंगी? नसरीन, मैं नसरीन मीरा नू मैसेज देना चाहनी हूँ कि मैनू भी इंग्लिश सिखा दे प्लीज, और जिदा तू कहती है ना आई नीड टू गो बाथरूम ब्रेक, मैं भी उदा ही कहना चाहनी हूँ, प्लीज प्लीज टीच मी द इंग्लिश। राशिक जी को वापस ले जाया जाए। आज और भी कुछ चीजें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हमने आपके साथ अभी भी लाइन अप की हुई हैं, उसके साथ साथ और बताए आजकल कंटेंट क्या स्ट्रेटेजी चल रही है आपकी, किस तरह बना रहे हैं? यार कंटेंट की स्ट्रेटेजी तो कुछ प्लान नहीं की होती, जस्ट के जब कोई आइडिया आ जाए, आई मीन वो आइडिया मुझे बाथरूम में आ सकता है नहाते नहाते, एक्चुअली अक्सर नहाते नहाते मुझे आते हैं। अरे ध्यान से भाई, ध्यान, ये मक्खी, अरे ये आप किसी स्प्रे से नहीं बन रही, लाहौरी फाइट कहाँ से? लाहौरी फाइट
अरे आप जानते हैं वैसे ये गलत बात पूरी टीम आ जाए भाई आ जाए नहीं हॉरी फ्राइड हॉरी फाइड बहुत बड़ी हैव अ सीट आ जाए बैठे ओके हाँ मुझे तब से लग रहा है कोई मक्खी बैठी जा रही है प्लीज वेलकम आवर स्नैकर्स लाहौरी फाइड रहीम भाई के लिए हम लेकर रहे हैं चैलेंज ओके और सिचुएशन दे रहा हूँ अच्छा ठीक है इनके सामने इनकी क्रश खड़ी है ठीक है एंड आपको उनका नंबर चाहिए ठीक है और उनकी डिमांड ये है कि आपने एटलीस्ट 30 सेकंड वियर्ड डांस करना है वियर्ड डांस करना है एग्जैक्टली गाना कोई भी हो बट उसके ऊपर आपने वियर्ड डांस करना है ये उनको भगाना है या उनको लाना है लेकिन उनकी डिमांड है कि वियर्ड डांस करना चले लगाए गाना चले जी शुरू करें रेनियक्स क्यू करें म्यूजिक रहीम करेंगे 30 सेकंड के लिए वियर्ड किस्म का डांस ताकि नाइट फीवर खामोश चले जी उसे चैलेंज दिया है वो भी साथ खड़े होते हैं इससे अगर इससे भी वो नहीं पटती तो वही मुझे क्या बोल रहे यार क्या नहीं 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 रहीम भाई बैठ रहे हैं आपको इतनी जल्दी तो हम बात करेंगे नहीं आपको इतनी जल्दी बैठने देना ही नहीं आपको किसने कहा बैठ जाएं आप इधर आए इधर आए इधर आए हम इतनी दूर से आपके लिए पैदल आए हैं मैं कह रहा पीछे आया इधर मैं भी लौट रहा हूं चलो अच्छा जी शो हमारा चल रहा है और हमने देना एंटरटेनमेंट कॉमेडी करनी है फुल टाइम ठीक है अब मैं आपको जो बताऊंगा आपको करना पड़ना है माशाल्लाह फेमस पर्सनैलिटी है आप लोग ठीक है आपका एक फैन आपके पास आता है पिक्चर बनवाने के लिए और आपने उसको पिक्चर देनी है अकवर्ड पोजेस में पहले मैं आता हूँ लाहौरी फाइट का दूसरा चैलेंज रहीम परदेसी के लिए आई एम मैं क्या कर रहा हूँ रहीम भाई अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ह्यूज फैन रहीम भाई एक सेल्फी मिलेगी हाँ हाँ जरूर दो ले लो भैया पांच ले लो पका लो आप बहुत मेहरबान है मैं पांच लेके जाऊंगा सही है आधा दर्जन ही कर लो पूरा सही अच्छा ओहो हो सेल्फी लेना आपको सेल्फी चाहिए आप सेल्फी लो ना ये तो मेरा पोज है वन ऑफ द फेमस पोजेस हाँ जी चले जी ये अक्षय कुमार 1993 का ये आपने पकड़ लिया नहीं पकड़ बगैर लिया शर्ट के मुझे नहीं पता इसको पोजेस सही वाली देते हैं खड़े हो जाओ सही दो और रहती हैं दो और रहती हैं चलो दो और सही वाली देख ले शायद बैठने में सही बैठ के लेके जरा रेडी रेडी वाह ऐसी आई आई थिंक मैं ब्लिंक कर गया हूं ना मेरी नजर में रहीम परदेसी इज अ विनर और थैंक यू सो मच लाहौरी फाइट आपका बहुत शुक्रिया यू केम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर थैंक यू और आपने बड़े जबरदस्त चैलेंजेस दिए तो जी हम आ गए हैं रहीम परदेसी के साथ स्नैक ऐप की चैलेंज वॉल पे जो कि आप तमाम फैंस को चैलेंज देना चाहेंगे लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है आपने स्नैक वीडियो की ऐप डाउनलोड करनी है अकाउंट क्रिएट करना है रहीम परदेसी का दिया हुआ चैलेंज रिक्रिएट करना है और अपलोड करना है विद द हैशटैग जस्ट स्नैक और जिसका चैलेंज सबसे जबरदस्त होगा उसके लिए स्नैक वीडियो की तरफ से बहुत सारे सरप्राइज सो रहीम परदेसी ओवर टू यू ओके गाइस सो जैसा कि आपको मालूम होगा माय वन ऑफ माय फेवरेट एंड मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स नसरीन हाय 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 सो उस कैरेक्टर के ऊपर मैं एक आपको उसका फेमस डायलॉग दूंगा और वो आपने उसी तरह करके दिखाना या अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप ऐड भी करना सही है लेकिन दिस शुड बी डन विद द सेम वॉइस सेम एक्सप्रेशंस एंड सेम एनर्जी सो ऑल यू नीड इज अ दुपट्टा सही है ठीक है अब दुपट्टा हियर होय होय मलमल का दुपट्टा पहले मलमल का दुपट्टा कोई भी दुपट्टा चल सकता है आपने ऐसे करना है और एक ऐसे करना है ठीक है Are you ready? Yes. Okay. So all you need to do. Nasreen, तू बड़ी सोनी लग रही है. हाय ला, सोनी तो मैं हैगी हूँ. ठीक है. Right. This is the dialogue that you have to record. Right. Do it with the same. Try to do it with the same voice. Like this voice. Okay. And do it with this expression and right. this energy. बस. आप इस चैलेंज में इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, अपनी भी लाइंस आगे पीछे डाल सकते हैं, लेकिन जो नसरीन की आवाज और एक्सप्रेशन है
वो एक्यूरेट होने चाहिए। तो ये सब आपने करना है, स्नैक वीडियो को डाउनलोड करके, अकाउंट क्रिएट करके, राइम परदेसी का चैलेंज रिक्रिएट करके अपलोड करना है विद द हैशटैग जस्ट स्नैक। और अगर आपका चैलेंज बहुत 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 अच्छा रिक्रिएट हुआ तो राहिम परदेसी अपने स्नैक के अकाउंट पे भी शेयर करेंगे पर्सनली, और स्नैक वीडियो की तरफ से आपको मिलेंगे बहुत सारे सरप्राइजेस। तो ये थी आज की एपिसोड, आई होप यू गाइस एंजॉयड। राहिम परदेसी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस, ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू। और आपने अपना ख्याल रखना है, और मुझे और ब्रेनियक्स की तरफ से खुदा हाफिज, सी यू अगेन।